आपको पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन इस बार जब मिलूंगी तो एक मेडल के साथ मिलूंगी। लाजवाब हौसला बढ़ाया, उसी हौसले के साथ हमने टोक्यो गए और उसी हौसले के साथ हमने मेडल जीता। एक सपना सा होता है अब हर खिलाड़ी का कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमें मौका मिले। जब मेरा मेडल आया और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तब से मेरे को पता था कि मैं उनसे मिलूंगा, तो तब से मैं बेताब हूँ उनसे मिलने के लिए। तो आज फाइनली मैं उनसे मिल रहा हूँ। जाने से पहले उन्होंने बताया था कि सामने कोई भी खिलाड़ी रहे तो आप अपना नेचुरल गेम खेलिएगा। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑनरेबल पीएम सर, वी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू मीट हिम टुडे। मोदी मैजिक ही है, जो हम देश आज़ाद होने के बाद इतना हमने अच्छा भरपूर मेडल झोली भर के लाए और ये जादू पूरे दुनिया में चल रहा है मोदी साहब का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी स्पोर्ट्स में। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में अपनी जीत का परचम लहराकर लौट आए हैं हमारे पैरा एथलीट्स और ऐसे में पूरा देश उनके पराक्रम और उनके हौसले को सलाम कर रहा है और उनकी सराहना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने आवास पर 5 गोल्ड सहित कुल 19 मेडल जीत कर लौटे भारतीय दल की मेजबानी की और साथ ही एक शानदार मुलाकात इस दौरान देखने को मिली। इस मुलाकात के दौरान जहां खिलाड़ियों ने अपने अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और इसके साथ ही तमाम खिलाड़ियों के हस्ताक्षर किए हुए स्टोल प्रधानमंत्री को तोहफे में दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों से व्यक्तिगत तौर पर जाकर बातचीत की। आपको बताएं कि किस तरह से उन्होंने एक पर्सनल टच देते हुए खिलाड़ियों के साथ न सिर्फ उनके खेल के बारे में बल्कि उनके घर परिवार के बारे में भी बातचीत की। तो वहीं जो खिलाड़ी थे वो प्रधानमंत्री के साथ रूबरू होकर उनके साथ बातचीत करके बेहद ही भावुक नजर आए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस मुलाकात के कुछ खास पल। मैं चाहता हूं कि हमारे मेडलिस्ट एक एक करके आएं, आपसे मिलें, आपका आभार प्रकट करें और आप अपना आशीर्वाद दें। बधाई हो। सबके पट्टी उतारते रहते हो तो मैं ये ऑप्शन कर देता हूँ। सो कृष्णा कैसे हो? साइन भी है तो ये तो सब ऑप्शन में जाएगा। बधाई हो। प्रैक्टिस करते हो तो मैक्सिमम कितने बार? थैंक यू सर। ऑफ सीजन में कम से कम 100 बार। हाँ सर। कितना टाइम जाता है फिर उसको कलेक्ट करना, लाना, किसी की मदद लेते होंगे? मदद लेता हूँ सर, बैठ के। सबसे ऊँची तुम्हारी है सबसे ज़्यादा हाइट? और भी तो यह है क्या तुम्हारे हाइट और कितना हाइट? 6'4". अच्छा, अरे फोन बड़ा कम। कैसे हो? बढ़िया सर, अब की बार थोड़ा गोल्ड से चूक गया। अरे ऐसा मन में मत रखो भाई। बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आपने के मन में ये रह गया सर, गोल्ड वाला? हाँ सर, बहुत नजदीक आ गया सर, बट चूक गया सर। कोई बात नहीं, और मौका मिलेगा। आपने बहुत हौसला बढ़ाई थी सर। बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। क्या भाविना पजामा जो अहमदाबाद गए थे जवानी जो सच्चे अकाल जी बहुत शानदार किया। वाह, ये ऑप्शन होने वाला है। ये तो देवभूमि वाले हो तो सर यही बात है सर, उत्तराखंड के लिए आपने देवभूमि वर्ड यूज किया सर, ये गर्व की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए। ये बड़ा सम्मान है सबके। मैंने ऑटोग्राफ
तो इसमें कितने लोग हैं जो अपनी मातृभाषा में ऑटोग्राफ कर बाकी सब अंग्रेजी वाले सोमन जी मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा क्योंकि जाने से पहले आपसे बात हुआ था आप तो फौजी इंसान है नहीं, आप बहुत अच्छा लग रहा है सर क्योंकि हमने इतना सपोर्ट इतना मोटिवेट किया जाने से पहले भी मेरा हमारा परिवार से बात किया है मतलब बहुत अच्छा लगा मेघालय जाने वाले क्या जाके आए या फिर नहीं अभी मैं पुणे जाऊंगा सर पुणे जाने के बाद में फिर छुट्टी जाने के बाद में एशियन के लिए फिर प्रैक्टिस नो रेस्ट सर अभी एशियन के लिए तैयारी करना है बार सबसे ज़्यादा संतोष हुआ होगा कोचिज को हुआ होगा इंडियन स्पोर्ट्स बहुत ऊपर उठ रहा है अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें पैरा एथलेटिक्स सर पैरा स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट है एबल एथलीट के लिए काम करना बहुत आसान है हमारी हर एथलीट की अलग डिसेबिलिटी है उनको समझना उनके साथ काम करना तो पैरा स्पोर्ट्स में कोचिंग करना बहुत डिफरेंट काम है सर ये बात सही है कि आप लोगों को वो एक विशिष्ट रूप से ही सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है तो पैरा स्पोर्ट्स को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया है जो अभी 2020 का हमारा ये ओलंपिक्स हुआ है इसमें एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिला है मैंने 100 मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा और मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि मैं सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं आपके पास मेरे पास कहने के लिए आई एम स्पीचलेस चलिए आप सबको बहुत बधाई है मेरी तरफ से गौरव बड़ा गजब का गौरव मिला है तुम्हें इस बार तो सर आपने जो बात किया वहाँ पे मुझे एज अ कोच और मैंने जरा आपसे कहा कि सर आपको कल भी बात करनी है उनसे तो आपने जो कॉन्फिडेंस वाली बात कही उसने शायद कॉन्फिडेंस फिर से और दिया और खिलाड़ियों ने जुझारू प्रदर्शन किया सर मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है और जैसे प्रिंसिपल का रिजल्ट अच्छा आया है कॉलेज में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि रिजल्ट अच्छा आया है आई एम हैप्पी सर वेरी गुड बहुत अच्छा लगा सर और पलक नमस्ते सर सर बहुत ही ब्लेसिंग की फीलिंग है सर आप हमारे साथ हैं हम लोग के गेम में सर ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट होती है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही क्लोज मार्जिन से सर 21-23 हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच रह गया था बट डेफिनेटली सर आगे वी विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर सर तुम जब जा रही थी तो मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था तो स्क्रीन पर मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा था मैं देख रहा था कि तुम्हारी माताजी इतनी भावुक थी तो जब आप खेल के मैदान से निकली तब उसके साथ क्या बात हुई जरूर कुछ विशेष बात हुई होगी सर डेफिनेटली उनकी तरफ से फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तो था ही सर कि मतलब कि उन लोग के लिए भी गर्व का एहसास तो है ये कि लोग अब उन्हें जानने लग गए हैं एंड कहाँ एक सोसाइटी पहले बेचारी कह के मुझे बुलाती थी और सिंपथाइज करती थी और कहते थे कि अरे भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे अब आई थिंक सर हम लोग का जर्नी देख के मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ये डिसेबिलिटी मिली है अगर ये डिसेबिलिटी नहीं होती तो मैं सर को नहीं मिलती मॉल के बाहर मैं बैडमिंटन नहीं खेलती और अगर मैं बैडमिंटन नहीं खेलती सर तो मैं आज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सर आपसे मिलने के लिए और प्राची क्या है बेटा तुमने तो एक नया खेल शुरू किया है भारत का जी बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर मेरा मैंने कोशिश की इतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे लेकिन फाइनल्स में गई सर मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है और सर आपने बहुत उत्साहवर्धन किया आपने मुझसे बोला था कि प्रेशर नहीं है अपना बेस्ट देना तो सर मैंने बेस्ट दिया और काफ़ी खुश हूँ सर और आगे का एडवेंचर के लिए क्या सोचा सर मुझे समुद्र में बोट चलाने का बड़ा मन करता है मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार समुद्र में चलाऊँ लहरों में थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग अस एंड हमारा इतना अच्छा वेलकम किया आपने थैंक यू सो मच फॉर दैट सर थोड़ा सा वहाँ पे जाने से थोड़ा सा ये हुआ
परफॉर्मेंस का थोड़ा है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन नेक्स्ट एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा और विथ मेडल्स नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा। एंड आपका सपोर्ट है, जो हम टॉप्स के अंदर है उसमें काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हम एब्रॉड जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी बाहर भी काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। सो रियली हेल्प्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। सर ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बचपन से 20 शस्त्र चिकित्सा ले चुका हूँ मेरे पैर पे और मेरे स्पाइन पे, तो इस बार तो मेडल तो ज़रूर नहीं लेके आए पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। हम तो ये गर्व हो रहे हैं कि उन लोगों को भी बीट किया है हमने और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और ऐसे हमारा एथलीट्स बोल रहे हैं कि दूसरे एथलीट्स बोल रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते, वो हमको इतना गर्व महसूस होते है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इतना हौसला बढ़ाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर इसके लिए, बहुत बहुत क्या भाई जी नागर जम किया था सर। वही तो मैंने उसको तुरंत पूछा था। दूर से सर, बहुत दूर से आया था कैमरा, दूर से जम मार दिया था मैं। मैंने देखा था उसको और मैं लाइव देख रहा था उस समय आपका गेम। जी सर कहो भैया, तुम अभी तो घर पे जाते ही तुमको कहेंगे टिकट कहाँ है। सर जरूर सबको लेके जा रहा हूँ सर, एक सर जल्दी। अच्छा ये बताओ, मुझे ये थोड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं ना, डिवोट करता हूँ, ये भाव कैसे आया सर? मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम, मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं। सो बहुत बड़ी बात है सर ये सब, और फिर उसी वजह से ये पैरालंपिक ओलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्हीं की वजह से इतना हो पाया ये, और उन्हीं की वजह से आज ये मेडल। बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके इसके कारण एक नया माहौल लोगों को लगता है, भाई हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए समाज के लिए सोचते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सर फादर कोचेज और फैमिलीज जिन्होंने भी सपोर्ट करा उनका तो बहुत बड़ा हाथ है सर, लेकिन कोविड वॉरियर्स का माता पिता के लिए क्या कहाँ का कार्यक्रम बना रहे हो? सर माता पिता और साथ में मेरी जॉइंट फैमिली सर छोटी, तो कोशिश पूरी है सर जल्दी से जल्दी फ्री होके फैमिली के साथ एक टूर पर जाना है, क्योंकि सर मेरी मम्मी आज तक कहीं नहीं गई है ना, पापा कहीं गए हैं, इतना देखा सबको एक साथ घुमाना ज़रूर है। बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सर। हाँ मनोज नमस्कार सर, मुझे गर्व है कि सर मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूँ, और सर वहाँ से निकल के और उत्तराखंड का पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्व की बात है, और जब आपने मुझे अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया कि आप देवभूमि उत्तराखंड से, तो सर मेरे अपने आप रोंगटे खड़े हो गए थे कि सर पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है और वहाँ पर उत्तराखंड का नाम आ रहा, तो ये मेरे लिए सर गर्व का क्षण था। आपको विशेष बधाई मेरी तरफ से। सर आपका लाइफ स्टोरी जो है सर, चाहे वो पलक का स्टोरी हो, मनोज का स्टोरी हो, कृष्णा का स्टोरी हो, यहाँ जितने जितने हीरोज बैठे हैं सर उन सब का स्टोरी को देख लें, और पैरेलल में सर अगर आपका स्टोरी एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लें सर, यू आर सिटिंग विद अस, फ्रैंकली स्पीकिंग सर वो भी कम मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए, तो हम लोगों को सर वो भी प्रेरणादायक तो है सर, एवरीबडी इज अवेयर उसको स्टोरी को। आपको पता नहीं है उल्टा है, जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप मैं केरला से हूं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर विथ यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। देखिए पूरे केरल को गर्व है इस बार तो, हॉकी में भी केरल ने अपना डंका जमाया। तो सुभाष जी बताइए, कोच की सबसे बड़ी इस बार गौरव पल है। जी सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने सभी बच्चों को जाने से पहले मोटिवेट किया, पूरी टीम यानी आपके साथ आपके सपोर्टिंग स्टाफ, जापान में भारत की एक अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए, सिर्फ मेडल लेके आए ऐसा नहीं, आपका कंडक्ट आपका सबसे बातचीत करने का तो सारी चीज़ों का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया, और ये
क्योंकि जब आप खेलने जाते हैं तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं, आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं, और उसमें जो भी आप करते हैं, और मैंने देखा है कि सबके लिए जितना भी मेरी क्योंकि मेरा जापान के लोगों से थोड़ा परिचय जरा ज़्यादा ही है तो बताते रहते हैं। और रुबीना, इट्स वेरी ऑनर टू मीट यू, एंड आपकी जो आपने इतना मोटिवेट किया है हमें बहुत ज़्यादा उसे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, ऐसी प्लीज़ मोटिवेट करिए, इस बार नहीं आया बट नेक्स्ट टाइम श्योरली वी विल डू दिस। आप दिमाग से निकाल दीजिए इस बार आपको मेडल मिला है कि नहीं मिला है, ये दिमाग में बिल्कुल इसको आप दिमाग में ये रखो नेक्स्ट, वरना है हो गया सर, पाया है तो भी ज़्यादा उसमें फंसे मत रहो, खोया है तब भी मत बनो, वहाँ तक आप पहुँचे यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है, मैं अम्बाड़ा से हूँ, और मैं तो आपसे बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता हूँ, क्योंकि आपने जब आए तो सबसे पहले लोग विकलांग बोलते थे और आपने उसके ऊपर स्पेशली लिखा कि भाई दिव्यांग बोलिए, एक ऐसा सम्मान दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर मैं करीबन 13 साल से हूँ पैराशूटिंग के साथ, और मैं शूटर्स को कह रहा था तुमने तो एक एक कलर लिया है, मेरे पास तो सारे हैं कि दो गोल्ड हैं, एक सिल्वर है, दो ब्रॉन्ज हैं, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों के तीनों, तो बहुत खुशी हो रही है कि इन लोगों के लिए कि जो है ये लोग जितनी मेहनत किया था इन्होंने उसमें सफल भी रहे। एक वाक्य जो मैं आपके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आपकी पॉपुलरिटी मतलब हर जगह है, मुझे याद है कि जब इनके मेडल सेरेमनी के बाद हम लोग इनको जो है इंटरनेशनल मीडिया के पास ले जाना पड़ता है, वो उनका प्रोटोकॉल है, तो मैं उनको इनको रोक लेता था कि रुक जाइए अभी प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आने वाला है, तो मुझे याद है कि किसी ने बोला कि व्हाट अ एक्सक्यूज़, पर बगल में ही किसी और ने उनको रोका, बोला नहीं ये सही बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रधानमंत्री का इवन बाहर के प्रति भी जो है बाहर के मतलब सभी लोगों को ये पता है कि इनके साथ हैं वो, और जब एक मुझे लगता है आप प्रमुख हैं हमारे, तो प्रमुख का विश्वास और प्रमुख की गाइडेंस रहती है, तो मुझे लगता है कि हमें तो अच्छा करना ही पड़ेगा और हम अच्छा करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा करना ही पड़ेगा, नहीं आप अच्छा करते ही हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, 10 मिनट में मैं रह गया लेकिन अगली बार मैं इससे भी बेस्ट दूंगा और देश के लिए इससे भी अच्छे मेडल ले पाऊंगा। आप लोगों के इस अचीवमेंट का सबसे बड़ा परिणाम समाज जीवन पर होने वाला है, पारिवारिक जीवन पर होने वाला है, माँ बाप को लेकर हाँ बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है तो खेल ले दो, उसको मदद करेंगे, गाइड करेंगे, बड़ा कल्चर पैदा होगा। चलो भाई, आपका परिवार को तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपके आशीर्वाद का सर है सर, रियलिटी में आपने वो काम कर दिखाया जो देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ, आप लोगों ने करके दिखाया, आपने 5 दिन में देश के खेल को जन जन तक पहुँचा दिया है और इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूं सर, लगता है कि हम राम राज में रह रहे हैं। आप लेटर एज में खेलकूद में आए सर, जो प्यार देश में आपने देश में जो प्यार जो मीडिया से इस समय मिल रहा है ना वो कभी नहीं मिला, इसके लिए मीडिया और आप धन्य है सर। चलिए आप सबों को बहुत शुभकामनाएं मेरी। सतपाल जी बताइए, चलिए हम तो कोचिज से इस बार ज़्यादा जानना चाहते हैं। जी सर, हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा एथलेटिक्स में और मैं अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। सर मैं 2004 में अपना एजुकेशन पूरा करके एथलेटिक्स में ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मेरे स्टेडियम में कुछ दिव्यांग एथलीट आते थे, मैंने उनको ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये लगा कि ये लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, मैंने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया। 2004 में देवेंद्र जाजड़िया जी ने गोल्ड मेडल जीता था लेकिन हिंदुस्तान में उनको इतना कोई जानता नहीं था, और आज हमने 2005 से स्टार्ट किया कोचिंग करना, आज सब दिव्यांग एथलीटों को जानते हैं। मैं इन उपलब्धियों के लिए सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, खिलाड़ियों को अपरोक्ष रूप से बहुत सारी सहायता मिलती है पर परोक्ष रूप से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो जब इस मुकाम पर आते हैं और यहाँ आकर बैठते हैं तो पूरा देश उन्हें जानता है, मीडिया उन्हें पहचानती है, तो यह सम्मान दिलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिव्यांगजनों को कोचिंग करना ये सिर्फ शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ विषय नहीं,
सिर्फ खेल की टेक्निक से विषय से भी आगे है, आपको उसकी हर मन की रचना को आपको एड्रेस करना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि एकाध बार जो दिव्यांग जनों के कोचिज हैं उनका एक वर्कशॉप करना चाहिए, उनके अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने अलग, और मैं तो मानता हूँ कि अच्छी किताब बन सकती है, एक अच्छा गाइड आप तैयार कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रकार से इनको ऐसी समस्या तो ऐसे हैंडल करना चाहिए, निराशा आई है तो ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों को हैंडल किया होगा। कभी कभी माँ बाप को भी गाइड कर सकते हैं आप लोग, एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो, क्योंकि मैं बहुत माइन्यूटली देखता हूँ कि सरल काम नहीं है जी। राम राम सर, मैं कशिश लाकड़ा हूँ और मेरी एज 17 ईयर्स है और मैं पैरा एथलेटिक्स 3 साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की वजह से, जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा मेरी फैमिली ने, तो मैं इंडियाज़ यंगेस्ट पैरालंपियन बन पाई और मुझे आपसे मिलने का मौका मिल पाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पर 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के, तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी, तो मैं बोलती मेरा वो बचपन आता, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिलना है कि ये देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, पर पहले कुछ करके दिखा जो उनसे मिलना है। तो सर मैंने 7 साल वेट किया आपसे मिलने के लिए 2014 से लेकर, और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलने का। जो बच्चे होते हैं ना, वे जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान की आवाज होते हैं। तुमने 11 साल की उम्र में जो बोला वो तुम्हारी सोच नहीं होती, कोई ऐसा संकेत होगा और वही आशीर्वाद बन गए मेरे लिए। मेरा भी सपना है सर, मैं रियो में 6th रहा था, अब मैं 5th हूँ, तो कभी ना कभी मैं मेडल जीतूंगा और आपसे मेडल के साथ मिलूंगा, ये मेरा सपना है। नहीं तो मेरे लिए सर पैरालंपिक अचीवमेंट नहीं थी, गांव में जब मैं आपसे मिल के घर गया तो सब ये कह रहे थे ये पीएम साहब से मिल के आया भाई, ये नहीं उनको ये था कि ये रियो पैरालंपिक का हिस्सा बन के आया, वो कह रहे थे ये पीएम से मिला है भाई, ये अच्छा आदमी। थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आपने मुझे मतलब इतना रेस्पेक्ट दिए बुलाया और सपोर्ट किया है, मेडल से चूक गया गोल्ड से एक जंप की वजह से, पर नेक्स्ट टाइम मेरा टारगेट रहेगा कि गोल्ड ही लाना है अपने देश के लिए। मैं चाहता हूं कि पोडियम पे मेरा राष्ट्रगान बजे और मैं बस नहीं, मैं इस ये जो जिद है ना इसका तो बड़ा महत्व है, जिद होनी चाहिए कि मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, लेकिन अभी जो हुआ उसमें कुछ कमी रही, कुछ तकलीफ हुई, इसको बोझ मत बनने देना, बिल्कुल मत बनने देना। हाँ शरद सर, अब मैं आगे का गेम फुल टेंशन फ्री होके खेलूँगा, अब मैं अपना स्पोर्ट्स जो मेरा पैशन है उसके तहत खेलूँगा, जो वो खो गया था स्ट्रेस में, जैसे आपने बोला एग्जैक्टली वो स्ट्रेस में हम लोग ना जो मेन पसंद है गेम वो फिनिश हो जा रहा था, अब मैं एक्चुअली उसको रिपीट करना चाहता हूँ। मैं अपना हाई जंप जो T63 है पैरालंपिक्स में, इसको बहुत मेन फोकस मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को दिखाऊं कि ये हम लोग कैसे एक आर्टिस्ट है और एक आर्ट कर रहे हैं। एक वो कहावत है कि शायद प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे यही है। लास्ट टाइम 19 एथलीट गए थे खेलने के लिए, इस बार 19 मेडल आए हैं, तो कैसा मतलब पैरा स्पोर्ट्स किस लेवल पे चला गया है ये कोई वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे, जैसे हम लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं जैसे आपसे मिलने के लिए, थोड़ा नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट भी रहता है, आप जैसे आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है सर, आप कैसे उस कंडीशन को हैंडल करते हैं? मेरा बैकग्राउंड बहुत आप जैसे ही एक सामान्य परिवार का है, और बचपन में तो कभी स्कूल के प्रिंसिपल भी अगर नाम से बुला देते थे तो आप वाह नाच उठते थे कि प्रिंसिपल को मेरा नाम मालूम है, तो ये जीवन की खुशी तो रहती है, हर एक रहती है। लेकिन जब मेरा सार्वजनिक जीवन का दायित्व बना तो एक प्रकार से मैंने अपने आप को भुला दिया। मुझे कभी ये
कोई नरेंद्र मोदी या कोई गांव से आया हुआ इंसान, कुछ सब दिमाग से निकाल दिया। जब गुजरात में काम करता तो मेरे मन में रहता था भाई मैं नहीं हूँ, 6 करोड़ गुजराती हैं, ये मेरे मन में रहता। और अभी दुनिया के किसी भी लीडर को मिलता तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं मिलता, मुझे ये लगता है कि 130 करोड़ देशवासी हैं। और उसके कारण मुझे कभी इंफीरियरिटी नहीं होता है, कोई बड़ा एक्साइटमेंट भी नहीं होता है। जैसा मैं आपको कहता हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, मैं भी मन में रखता हूँ मैं मेरे देश की बात बड़ी ताकत से करूँगा, बड़े विश्वास से करूँगा। तो यही भाव है और क्या है। आपकी सर मेमोरी बहुत शार्प है सर, आप एकदम याद कैसे रख लेते हैं? जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है। जैसे मैं देखता हूँ आपके कई खिलाड़ी हैं जिनके पूरी परिवार से मैं जुड़ गया, परिवार के हर व्यक्ति से बात कर ली हूँ, उनके परिवारजनों के विषय में पूछ लिया है, उनके प्योर परिवार के जीवन में कभी कोई बीमार हो गया ये हुआ, तो एक प्रकार से जिसको कहें अपनापन हो जाता है, उसका एक आनंद अलग होता है, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है। तो देखा आपने किस तरह से जो तमाम खिलाड़ी हैं वो बेहद ही भावुक नजर आए प्रधानमंत्री से मिलकर, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुलाकात से उनका मनोबल और भी ऊंचा उठा है। इस मुलाकात के और भी कुछ खास पहलू हैं जो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें डीडी स्पोर्ट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।